हे गाइस, माय नेम इज अमृता। इस वीडियो में मैं आप लोगों को काजल लगाने की टेक्निक बताऊंगी। लड़कियां जो है काजल, चाहे वो कितना अच्छे से अच्छा यूज कर ले, तब भी वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करती हैं। बहुत अच्छे महंगे एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव, चीप से चीप काजल अगर वो परचेस करती है और उसे यूज करती हैं, उसके बाद भी उनका काजल जो है फैलता ही है और वो बहुत परेशान रहती है। तो मैं आज एक ऐसी टेक्निक लेके आई हूँ जिसे आप ट्राई करेंगी तो आपका, आप चाहे कोई सा भी काजल यूज करें, आपका काजल कभी नहीं फैलेगा। उसके लिए आपको बस क्या करना होगा वो मैं आपको बताऊंगी। चलिए अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी आई शेडो पैलेट जिसमें ब्लैक या ग्रे कलर हो या डार्क ब्राउन कलर हो, मैं अभी ये यूज करूंगी क्योंकि मेरे जो अभी मैं ये वाला यूज करूंगी क्योंकि मेरे पैलेट में जो है डार्क ब्राउन कलर नहीं है। सबसे पहले आपको वो जो आई शेडो है उससे स्मोक आउट करना है, ऐसे जैसे आपको दिख ही रहा होगा, ऐसे वाटर लाइन के जस्ट वाटर लाइन के बिल्कुल पास में आपको स्मोक आउट करना है। इस तरह से सेम इस साइड भी, और मैं अभी ये हल्का सा ब्लैक वाला, अब मैं ये ब्लैक वाला यूज कर रही हूं ग्रे के बाद। मैं जो यूज कर रही हूँ लैकमे का काजल यूज कर रही हूँ, आइकॉनिक है ये। आप कोई सा भी काजल यूज कर सकती हैं स्मोक आउट करने के बाद, जरूरी नहीं है कि आप जो है पर्टिकुलर एक ब्रांड का काजल यूज करें। फिर अच्छे से वाटर लाइन में काजल अप्लाई करें और उसे वाटर लाइन से थोड़ा सा नीचे भी, लास्ट लाइन के पास भी लगाएं। देखिए दोनों में डिफरेंस, देखिए दोनों में डिफरेंस दिख रहा होगा आपको। इसी तरह से दूसरे आंख में भी लगाए। अगर आप ऐसे काजल यूज करती हैं तो उससे जो आपका काजल है बहुत ज्यादा जेट ब्लैक भी दिखता है और आपकी आंखें जो है बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव भी लगती हैं। अगर आपको अपर वाटर लाइन में काजल लगाना पसंद है तब भी आप अप्लाई कर सकती हैं। मैं हमेशा अपर वाटर लाइन पे भी काजल अप्लाई करती हूँ। आपको बस ऐसे उठाना है और ऐसे अप्लाई करना है। देखिए डिफरेंस दिख रहा होगा दोनों आंखों पे। अब सेम ऐसे इसको उठाना है आपको। देखिए अब इस तरीके से अगर आप अपना काजल अप्लाई करती हैं तो आपका काजल कभी भी नहीं फैलेगा। इनफेक्ट वॉश करने के बाद भी जल्दी से रिमूव नहीं होता है। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा स्मोक आउट ज्यादा हो गया है तो जो है आप थोड़ा सा उसे वेट टिश्यू से या क्लींजर लगा के किसी भी टिश्यू में हल्का सा क्लीन कर सकती हैं, अकॉर्डिंग टू जो आपको चाहिए, जैसा आपको लगाना है या जितना थिन आपका काजल अप्लाई करती हैं उसके अकॉर्डिंग। मेरी आंखें थोड़ी छोटी हैं तो मैं थोड़ा सा जो स्मोक आउट है बाहर तक करती हूँ जिससे मेरी आंखें थोड़ी सी बड़ी लगती हैं। कितना इजी है लगाना भी, जरूरी नहीं आप कोई पर्टिकुलर आई शेडो खरीदो, कोई भी आई शेडो यूज कर सकती हैं। लेकिन कलर जो आपको यूज करने हैं वो तो या तो डार्क ब्राउन या तो ग्रे या तो ब्लैक आप यूज कर सकती हैं।
अगर आप लोगों को मेरी ये ट्रिक पसंद आई है तो जो मैं हमेशा कहती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकती हैं। मेरी वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।